हेलो गाइस, कैसे हो? मचको वीडियो लेके तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस में अगेन। और इस वाले गेम में गाइस बहुत ज्यादा तबाही है, तो देखते जाना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अपार्टमेंट में बहुत ही तगड़ी तगड़ी फाइट्स होंगी, तो बस देखते जाना। अब यहाँ पे गाइस मेरे को मिल जाती है VSS, और यहाँ पे देखो मैं करता हूँ नाकाम कोशिश बंदे को हवा में मारने की, वो भी VSS से, जो कि मेरे को पता था नहीं होने वाला भाई। इसके मटर के दाने वहीं अटक जाते बीच सी में कहीं, लेकिन फिर भी यार मैं मजे लेता ऐसे ही। तो यहाँ पे गाइस अब और गन के लिए भटकते, क्योंकि भाई तुम्हें पता है यार, मेरे को भी पता है कि VSS नहीं है इतनी बढ़िया गन। मतलब दूर से तुम मार सकते हो, लेकिन क्लोज रेंज में अगर सामने वाला भाई M7 या M4 लेके आ गए तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे गाइस भटकते यार गन के लिए, और यहाँ पे अपग्रेड भी ये कह रहा था इतनी देर से, तो कर ही लेते हैं। अब फाइनली जाके गाइस यहाँ से मेरे को मिल जाती है UMP, और जब मैं दूसरे वाले कमरे का गेट खोलता हूँ ना, देखो यहाँ पे पीछे DP पड़ी है। लेकिन पहले मैं एमओ लेता हूँ, UMP के बाद में DP लेंगे, और VSS को फेंक देता हूँ मैं यहाँ पे। DP उठा लूंगा इसकी जगह, रिलोड मारेंगे इसे, और पीछे से यार फायरिंग की साउंड आ रही काफी देर से, उधर की तरफ चलते हैं। लेकिन इतने माते फायरिंग की साउंड सामने से, और बंदा भी मेरे को दिख जाता है, बंदे को नोक कर दिया जाता है यहाँ पे, पूरा खत्म भी कर दूंगा मैं इसे। और मैं थोड़ी देर देखता हूँ भाई इसका टीममेट वीममेट तो नहीं है, और फिर मैं मजे में लूटने लगता हूँ। और फिर गाइस बात हूँ यहाँ पे इस जोकर शॉप में कि भाई मतलब कुछ माल वाल मिल जाए, और यहाँ पे लेवल 3 का माल मेरे को मिल जाता है, मतलब वेस्ट मिल जाती है। हेलमेट मेरे पे पहले से ही था, और गाइस फायरिंग की साउंड इधर की तरफ से आई थी पहले, तो हम जा रहे थे, लेकिन इन बंदों का शायद से भागने का प्लान था। अब यहाँ पे गाइस एक बंदे को मैं नोक करता हूँ, एक को दिया था काफी खतरनाक वाला डैमेज, हेडवेड मार रखे हैं भाई सब। और भाई इतने में एक बंदा था यहाँ पे, और ये मेरे को काफी दुख देने वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इधर की तरफ देखता हूँ जब मैं, तो ये बंदा अपनी खोपड़ी सी दिखा रहा था बेचारा, शायद से रिवाइव कर रहा हूँ अपने टीममेट को, इसलिए उसे क्राउच करना पड़ा। और यहाँ पे गाइस अब मैं सोचता हूँ इस वाले बंदे पे रश मार देता, मतलब निपटाते जल्दी से, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ग्लिच भाई, बंदूक कहीं और ही चलने लगी, मतलब एम मेरा बंदे पे, लेकिन बंदूक कैसे चल रही जैसे कि जमीन में चल रही हो भाई। ये ग्लिच आज तक फिक्स नहीं हुआ पबजी वालों पे। तो फिर गाइस मैं रिवाइव होता हूँ उन वाले बंदों का, मेरे को किल भी मिल जाता है, और भाई हीलिंग करने से पहले मैं यहाँ पे लूटने की सोच रहा हूँ, देख रहे हो। और अब यार हीलिंग भी मार ही लेते हैं, मतलब नहीं तो हो सकता है कोई बोट वोट भी आ गया ना, और हल्की सी गोली चिपका दी तो फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। और गाइस अब प्लान था कि भाई निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो मेरे को लग नहीं रहा था भाई कोई आया हो बंदा। फिर गाइस हम आते हैं पोचिंग की में, और यहाँ पे चेक ही कर रहे थे भाई, कोई तो फुटस्टेप्स दे दो, मतलब कुछ तो भाई साइन वाइन दे दो, बोट स्कैम कर लो, कुछ तो कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम जाने लगते हैं। लेकिन भाई इतने में ये बंदा दिख जाता है इधर की तरफ, और दो बंदों को मैं यहाँ पे नोक भी कर देता हूँ। लेकिन गाइस एक और था यहाँ पे बंदा, जो कि बेचारा ऑफलाइन था, तो यार मेरे को नहीं पता ये पहले से ऑफलाइन था या फिर अभी ऑफलाइन हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भाग रहा हो पीछे। खैर अब यहाँ पे गाइस इनका लास्ट वाला बंदा तो भाई मिलता नहीं है, काफी देर हम यहाँ पे भटकते हैं, मतलब हम यहाँ पे उसे ही देख रहे हैं इस टाइम की भाई लास्ट वाला बंदा भी मिल जाए तो भाई उसे निपटा के लूटा जाए, मतलब सब कुछ पता चला हम लूट रहे हैं, और भाई साइड से वो थर्ड पार्टी कर दे। तो आप गाइस हम काफी देर भटकते हैं, लेकिन भाई बंदा मिल नहीं रहा था, और भाई इतना में दिखता है सामने बंदा, लेकिन बोट निकलता भाई, ये इनका बंदा नहीं था। यहाँ पे गाइस इन सारे बंदों को भाई किल विल मैं सिक्योर कर लूंगा पूरा, और उस वाले बंदे को भी मैं यहाँ पे देख ही रहा था कि भाई मतलब मिल विल जाए तो थोड़ा अच्छा होगा, मतलब सेहत के लिए, उसके बाद ही लूटेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं पूरा बान हाउस वगैरह भी। खैर यहाँ पे गाइस वो तो मिलता नहीं है, तो हम यहाँ पे लूट ही कर रहे थे, इतने वाजी साउंड बग्गी की। मैं बस ये चाह रहा था एक टायर फूट जाए इसका, बस वहीं का वहीं रुक जाता बंदा, लेकिन टायर फूटता ही नहीं है, और ना बंदे को फर्क पड़ता कुछ। तो भाई गाड़ी उठाते और भाई चलते हम भी उसकी तरफ ही, जिधर की तरफ वो गया है। तो यहाँ पे गाइस हम गाड़ी लेके आ तो जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ, लेकिन भाई तेल हो चुका था यहाँ पे खत्म, तो हम सोचते भाई अपार्टमेंट से गैस कैन लेके मतलब चलते बनेंगे गाड़ी लेके, लेकिन इतने बात गाड़ी की साउंड जो कि आ चुके इस वाले अपार्टमेंट में, तो भाई मैं भी सीधा जाकर रश मार देता हूँ इससे पहले कि बंदे खिड़की में टीवी भी लेके बैठ जाए, और फिर मौका भी ना मिले रश मारने का। और यहाँ पे एक और स्कोड आ जाती है, अब यार इस वाले बंदे को मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ पूरा, और
मेरे टीममेट ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। मैं सोच रहा भाई एनिमी आ गया, मैं यहाँ पे फायरिंग कर रहा था उस पर। फिर ये गुलाब ऊपर की तरफ भाग रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही होगी जहां तक भी, लेकिन इसको भी यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब हमारे ऊपर यार ठप्पे लगे पड़े हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा। खैर यहाँ पे हम भी अपना यंत्र वंत्र फेंकते हैं, बंदों पे मार खा चुके थे। एक बंदा तो शायद से नीचे ही है और एक था यहाँ पे जो कि शायद से मनी हाइस देख के आया अभी अभी। तो यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को भी पूरा खत्म कर देते। और भाई नीचे जो बंदा था ना उस पर रश मारने का प्लान था, लेकिन भाई वो तो नेड़ पे नेड़ फेंके जा रहा है। तो थोड़ी देर में इधर ही बैठा था मजे में कि भाई नेड़ वेड़ फेंकने दो बंदे को, मजे लेने दो, फिर जाकर रश मार देंगे। और यहाँ पे मैं यंत्र भी फेंक देता हूँ जिससे अपडेट हो जाए। और फिर जाकर भाई रश मार ही देते हैं हम। और इस वाले बंदे को भी यहाँ पे लपेटा जाता है। अब सामने से गाइस कोई बोट फायरिंग कर रहा था, तो मुझे लगा भाई बोट वोट है, मजे में बाद में जाकर निपटा देंगे, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन आती है भाई फायरिंग की साउंड और उस बोट को कोई निपटा देता है इस कारल से, तो इसका मतलब भाई असली बंदे आ चुके हैं सामने वाले अपार्टमेंट में, तो भाई जाना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी उठाते हैं हम और भाई जाते हैं, क्योंकि पैदल जाते हैं तो भाई बंदों को बहुत ही तगड़ा एम मिलता, मतलब गाड़ी से हल्की सी स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो गोली लगी भी तो इतनी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे देखो खतरनाक स्वागत हुआ भाई हमारा। तो अब मैं भी इसको पूरा ख़त्म ही कर देता हूँ, लेकिन एक बंदा कूदता है फिर नीचे उधर से आता है। और यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को भी लपेटा जाता है। और खत्म मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर मैं इसे खत्म नहीं करता ना, ये चिल्ला चिल्ला कर अपने टीममेट्स को बुलाता और फिर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती एक्स्ट्रा वाली। और यहाँ पे मेरा टीममेट भी नोक पड़ा है, तो बेचारे को बचा ही लेता हूँ मैं जल्दी से। और फिर गाइस जाके रश मारेंगे ऊपर वाले बंदों पे। और यहाँ पे लेवल 3 की वैश देख लो भाई कितनी अच्छी हुई पड़ी है मेरी, और मेरी भी यार हेल्थ कम सी थी तो भाई मैं भी हेल्थ ही मार लूंगा यहाँ पे। और ऊपर दो बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो हल्का से ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है सेहत के लिए। अब यहाँ पे यार मेरे को आती है पिन खींचने की साउंड, तो शायद यार बंदों ने नेट वेट फेंक दिया है। और अब हमारे ऊपर ठप्पे लग जाते हैं यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ भाई हम भी यंत्र अपना फेंक देते हैं। खैर मेरे टीममेट ने पहले से यंत्र फेंक रखा था, लेकिन मैं भी एक फेंक ही देता हूँ मजे मजे में। भालू को भाई पूरा खत्म करा जाता है। अब यहाँ पे गाइस एक और बंदा इधर, और देखना वो क्या ही कर रहा होगा। और इस वाले बंदे के लिए गाइस एक मिनट का साइलेंस रखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ मैं बड़ी बेरहमी के साथ। देखो यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे यार उस बंदे के मुंह के सामने ना नेड रखा होगा 2 सेकंड पूरी। सोचो बंदे पे क्या बीतरी होगी। नहीं सोचो गाइस, अगर तुम ऐसे लेटे और तुम्हारे आगे प्यारा सा नेड आ जाए कहीं से, तो सोचो कैसा लगता है। तो यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पे भाई काफी स्कोर्स आ गई थी, 2-3 थी शायद से टोटल मिलाए तो यहाँ पे गाइस अब लूट कर लेते हैं भाई। लेवल 2 की वैश ले लूंगा मैं, क्योंकि 3 की तो भाई बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी यार कुछ ज्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी अच्छी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। कह रहे यहाँ पे गाइस मेरे टीममेट को गाड़ी दिखती है, मेरे को भी दिख जाते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो क्या चुका अपार्टमेंट में इसे सामने वाले में। तो यहाँ पे गाइस मेरा प्लान तो यार ऊपर जाने का था छत पे, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत का है हमारी तो नीचे फेंक देता हल्का सा एक फ्लोर, लेकिन कोई बात नहीं यार बंदे वैसे भी सामने वाली बिल्डिंग में। तो यहाँ पे गाइस अब आने लगे थे मेरे को फुटस्टेप्स, और यहाँ पे मैं यंत्र फेंक देता हूँ अपना जिससे कि बंदों की लोकेशन पता चल जाए भाई एग्जैक्ट। और यहाँ पे गाइस अब मेरा प्लान था कि भाई एक नेड कुक करके फेंका जाए और एक बंदा इससे फट जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन अगेन नहीं होगा भाई ऐसा। फिर एक और नेट फेंकता हूँ मैं, और ये तो मैं ऐसे फेंक देता हूँ जल्दबाजी में, और पता नहीं कैसे भाई एग्जैक्ट खिड़की में गया है। और कहीं पर बिल्कुल सोच के फेंकते हैं ना तो भी इधर उधर भग जाता है। खैर ये वाला बंदा यहाँ पे कैंप मारा था, इसने मेरे वाली गलती करी, एक बार मैंने भी करी थी कि भाई मार्क लगा पड़ा है, ठप्पा लगा पड़ा है मतलब खोपड़ी पे, फिर भी टीपी पी ली जा रही है सीढ़ियों पे। तो यहाँ पे यार उस वाले बंदे को पूरा खत्म कर देते हैं। यहाँ पे मेरी हेल्थ हो चुकी थी कम, बंदे ने काफी खतरनाक डैमेज दिया था, तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट एड भी मार लेता हूँ मैं फटाफट। और अब जाकर यार एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, उस पर रश मारेंगे। और आज वो वाला ग्लिच मेरे टीममेट के साथ हो गया जिसमें वो आवाज़ चर चर की आती रहती है करंट की, तो वो दुखी था इस मैच में पूरा जैसे उस दिन मैं था। यहाँ पे कैसे हम घुसते हैं उस वाले बंदे पे, और जैसे प्री फायर छोड़ता है ना मेरे को पता था या तो रिलोड करेगा या फिर गन बदलेगा, क्योंकि भाई बहुत बुरी आदत होती है किसी किसी की। और भाई होता भी वही है, बंदे को भाई पूरा खत्म कर देते हैं हम। गाइस सिर्फ बचा था लास्ट बंदा, बहुत देर से यहाँ पे भटक रहे थे हम, और फाइनली जाके बंदा हमें दिखता है वहां पे।
भाई इतना स्ट्रगल क्यों करना भाई, मतलब कहीं पे तू सैक वैक में बैठ जाता, मतलब वो ज्यादा अच्छा था, बेचारा रोड पे घिसट रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यूज़ वाले चैनल पे। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।